अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सीमा शेख आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं खीमे वाली सिवैयाँ। नाज़रीन, खीमे वाली सिवैयाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने 1.5 कप सिवई ली है, ये मोटे साइज़ की सिवई मिलती है रोस्टेड। ये मैं आपको इसका पैकेट भी बताती हूँ। ये इस तरह से जैसे हम शीर खोरमा बनाते हैं या मीठी सिवैयाँ बनाते हैं, वो बारीक होती हैं, वो भी रोस्टेड मिलती हैं, ये थोड़ी मोटी होती हैं, ये नमकीन बनाने के स्पेशली मिलती हैं। 1.5 किलो हमने कीमा लिया है बकरे का, 1 मीडियम प्याज दी है, इसको इस तरह से बारीक स्लाइस में कर लिया है, 1 बड़ा टमाटर चाकोर कटा हुआ, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें तकरीबन इतना कीमे में जाएगा और बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे, 4 सफ़ेद इलायची ली हैं, 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 3 हरी मिर्च ली हैं, बीच में से स्लिट मार के टुकड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, हरा धनिया ये बेस में जाएगा। ना इसको बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कीमा बॉयल करना है, जो कि हम विदाउट ऑयल यूज़ करेंगे। एक कुकर ले लिया है नाजी, उस कुकर में हम कीमे को डाल देंगे, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1 बड़ा और 1 छोटा, तो जो बड़ा हिस्सा है उसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप जितना पानी। गैस ऑन कर देंगे और नाज़रीन अब हमने क्या करना है, अब हमने डालना है नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से रखें। और कुछ इसमें नहीं डालना है, इसे हमने एक प्रेशर आने के बाद 10 मिनट तक पकाना है। जब ये गल जाएगा तो इसका जो पानी रहेगा बचा हुआ उसे हमने खुश्क कर देना है और बाकी की तरीका हम आपको बाद में बताते हैं। देखिए नाजी, इस तरह से ये रोस्टेड वर्मासिली करके मिलता है पैकेट, ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। इस तरह से ये मिलते हैं पैकेट, यही हम सिवई इसमें यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, कीमे का कुकर हमने बंद कर दिया है, जब तक उसका प्रेशर निकलता है तब तक हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून में ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद अभी हमने इसको गर्म वेट करना है, ज़रा सा ऑयल हमारा ये गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची और दालचीनी। रमज़ान के अलावा भी नाज़रीन, आप नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में आप इसको बनाएं। हम कीमे का बना रहे हैं, आप चिकन का भी बना सकते हैं। चिकन को अदरक लहसुन के साथ ऐसे ही सेम बॉईल कर लें और थोड़ा उसको श्रेड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको और थोड़े से वेरिएशन के साथ इंशाल्लाह चिकन की नमकीन सिवई भी आपको बताऊंगी। ऑयल तकरीबन गर्म होने आ गया है, अब इसमें हम डाल देंगे इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। देंगे हम इसमें प्याज, प्याज को थोड़ा सा सुनहरा, हल्का सा सुनहरा यानी थोड़ा सा पिंकिश सुनहरा, बहुत डार्क नहीं करना है, बस इतना करना है। जैसे ही प्याज नरम होने लगेगी बस फास्ट पे ही इसको हमने चला चला के अच्छा सा कलर ले आना है। ये ध्यान रखें बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, जिस तरह हम रिश्ता बनाते हैं वैसा डार्क नहीं करना है। कीमे का कुकर भी हमारा खुल चुका है, इसमें देखें नाज़रीन थोड़ा पानी है, इसे हम खुश्क कर लेते हैं दूसरे गैस पर रखकर, जब तक कि हमारी प्याज हो रही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा प्याज में,
कुचोने देते हैं हम प्याज को तब तक। कीमे को फास्ट पे रखा हुआ है हमने ताकि उसका जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। नाजीन प्याज ने कलर दे दिया है, पहला प्याज का कलर अच्छा सा आने लगा है पिंकिश सा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, गैस स्लो कर देंगे और डाल देंगे हम इसमें जो बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी ताकि हमारी कटोरी जो है वो भी साफ हो जाए। थोड़ा सा एक से दो मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद शामिल करेंगे इसमें टमाटो। कीमा भी तकरीबन होने आया है, पानी तकरीबन खुश्क होने आया है। ये हो गया डन, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो के साथ साथ नाजीन डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कीमे में भी डाला है। अब इसको स्लो कर देंगे, स्लो करके इसको करेंगे हम कवर ताकि ये टमाटर जो हमने इसमें डाले हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे इतनी देर में हमारा कीमा भी रेडी हो जाएगा और फिर हम इसमें उसको डालेंगे। नाजिन टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं, इसे अब हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा एकदम ड्राई हो चुका है। अब कीमे को हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है और उसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमने फ्राई कर लेना है। दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन तो गोश्त की तकरीबन निकल चुकी है क्योंकि हमने इसे अदरक लहसुन में पकाया है और उसके बाद उसे खूब अच्छे से खुश्क किया है। अब हमने इसको इसमें फ्राई कर रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक सी हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। नाजरीन मोस्टली ये साउथ की डिश है। फास्ट पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे अच्छे से। नाजरीन कीमा बहुत अच्छे से भून चुका है, आप देखें किस तरह इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन हमने डाला है इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी। और जो ये सिमाई रखी हुई हैं अब हम डाल देंगे ये। अब इसका नमक चख लेंगे, पानी इसमें थोड़ा सा आई थिंक और जाएगा, तकरीबन 1.25 कप जितना पानी। और अब इसको हम दम पे पकने देंगे, एकदम फूल के अच्छे से बन जाएंगी। एक उबाल आने तक इसको हम कवर कर देते हैं और इसको फिर हम स्लो पे, एक उबाल आ जाएगी तो फिर हम इसको स्लो कर देंगे। नमक इसी टाइम हम इसका टेस्ट कर लेंगे कि नमक इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। नाजरीन इसमें उबाल आ गई थी, अभी हमने इसको स्लो कर दिया है, पानी थोड़ा नीचे चला गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको कवर करके दम लगाना है। तकरीबन 5 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके बताऊंगी।
नाज़रीन सिमैया अच्छे से दम आ चुकी हैं, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, 6-7 मिनट हो गए आराम से माशाल्लाह, बहुत फर्स्ट क्लास दम आई हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम आप इसको डिश आउट करके बताते हैं। ये नाज़रीन ये नमकीन सिमैया रेडी हैं। नाज़रीन इसे आप खाने से बस 10 मिनट पहले ही रेडी करें, क्योंकि सिवैयाँ बहुत जल्दी सौगी हो जाती हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि खाने से 10 मिनट पहले ही रेडी करें इसको। नाज़रीन अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगी। अल्लाह हाफिज़।